दक्षिणी तुर्की के गाजियांटेप शहर में एक शादी समारोह में आतंकी हमला हुआ। हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट के आतंकियों का हाथ माना जा रहा है। हमले में 22 लोगों के मरने और 94 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन की सेना ने गोलाबारी कर बागियों के कब्जे वाले हिस्से में 2 लड़ाकों को मार गिराया है, जबकि 8 जख्मी हुए हैं। यूक्रेन की सरकार ने इस हमले का वीडियो जारी किया है। भूमध्य सागर में पलट गई नाव से रेस्क्यू किए गए 300 से ज्यादा लोगों को ट्रपानी बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। हालांकि इस हादसे में कुछ लोगों को बचाया नहीं जा सका, जिसमें सीरिया की 3 शरणार्थी बच्चियां शामिल हैं। ये नाव शरणार्थियों को लीबिया से यूरोप ले जा रही थी। चीन के हुनान में आम लोगों के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा और लंबा ग्लास ब्रिज खोल दिया गया है। ब्रिज पर पैर रखते ही 300 मीटर गहरी खाई में लटके होने का एहसास होगा। इस ग्लास ब्रिज की एंट्री टिकट करीब 1500 रुपए की है। चीन के हाइनान प्रांत में डियानमू तूफान से आए बाढ़ के दौरान एक रेस्क्यू ऑपरेशन में फ्रंटियर सैनिक की मौत हो गई। ये सैनिक 11 लोगों को रेस्क्यू करने गया था। हादसे में एक ग्रामीण की भी मौत हुई है। कैलिफोर्निया के सांता बारबरा की पहाड़ियों पर 3000 एकड़ का जंगल आग में जलकर खाक हो गया है। आग अभी भी फैल रही है। तुर्की और इजराइल के बीच हुई संधि पर तुर्की की संसद की मोहर लग गई है। दोनों देशों के बीच जून महीने में 6 साल पुराने तनाव को खत्म करने का समझौता हुआ था। ये तनाव तब पैदा हुआ था जब मई 2010 में इजरायली मरीन ने तुर्की के जहाज पर हमला किया था, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई थी। ब्राजील के कैकरीना शहर के रहने वाले ओलिवीरा ने बैडमिंटन खेलने का एक नया तरीका ईजाद किया है। वहां सांबा तकनीक से बैडमिंटन खेलना सिखाया जाता है और इसे अभी 200 बच्चे सीख रहे हैं। अमेरिका में मिशिगन के पॉटर पार्क जू में 2 जुलाई को पैदा हुए 2 नन्हे रेड पांडा को सार्वजनिक किया गया है। नए मेहमानों के आने के बाद चिड़ियाघर प्रबंधन दोनों बच्चों की विशेष देखभाल में लगा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 10,000 से भी कम रेड पांडा बचे हुए हैं। कनाडा के एक प्रेमी जोड़े ने आइसलैंड में अपनी सगाई का वीडियो और फोटो शूट किया। आइसलैंड में बर्फ से घिरी वादियों में ये जोड़ा रोमांस करते दिखा। आइसलैंड की बर्फीली वादियों में इस कपल के साथ एक फोटोशूट टीम गई थी, जिसमें 2 सिनेमेटोग्राफर्स और 2 फोटोग्राफर्स भी थे।